बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशन। आज हम आपको इनर वेलवेट शर्ट, ए लाइन शर्ट कटिंग करना सिखाएंगे और उसके ऊपर हमारा जो है नेट की गाउन है, ए लाइन गाउन कटिंग करना सिखाएंगे आज आपको हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनर शर्ट कटिंग करेंगे और इनर शर्ट के लिए जो हमने कपड़ा लिया है वो तकरीबन 2.5 मीटर हमने कपड़ा लिया है और इस कपड़े को हमने डबल किया है और उसके बाद अगेन डबल किया है और इसे सही तरीके से रखेंगे। दोनों साइड से हमने इसे इस तरीके से रखना है कि इसमें कोई सलवट या कोई चुनट ना आए। ये देखें, इस तरीके से हमने इसे रखना है। और इसके बाद हमने जिस लेंथ का गाउन बनाना है उस तरह हम उसी लेंथ की पैमाइश करेंगे और जो हमने अपनी इनर शर्ट की लेंथ लेनी है वो तकरीबन 50 इंचेस है। ये देखें व्यूअर्स, हम 50 इंचेस लेंथ ले रहे हैं इनर शर्ट की और अब शोल्डर की हम लेंथ लेंगे। शोल्डर की जो हमने लेंथ ली है वो है 8 इंचेस। 8 इंचेस हमने शोल्डर की पैमाइश की और इसके बाद हम आर्मपिट की पैमाइश करेंगे, पर उससे पहले हमने निशान लगाना है शोल्डर की पैमाइश का। उसके बाद जो हमने आर्मपिट की पैमाइश लेनी है वो भी 8 इंचेस ही है और इसके बाद चेस्ट की हमने पैमाइश करनी है तो वो हम 10 इंचेस ले रहे हैं। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये हम वेलवेट की शर्ट की फ्रंट और बैक पीस दोनों एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसे डबल और फिर अगेन हमने डबल कर कर रखा है और अब साइड से कटिंग करेंगे। जो साइड से हमने कटिंग किया है वही कपड़ा हम नीचे जॉइंट करेंगे ताकि जो हमारी शर्ट है वो ए लाइन शेप में आ जाए। तो हम इसे रख कर देखेंगे जिस तरीके से हमारा कपड़ा सही रखा जाएगा। हम इसे उस तरीके से रखने के बाद फिर साइड से, नीचे की साइड से कटिंग करेंगे इस तरीके से। देखें, नीचे से हम हल्की सी गोलाई में कटिंग कर रहे हैं और इसके बाद दूसरी साइड से कटिंग करेंगे ताकि जो हमारी साइड की कटिंग थी वो मुकम्मल एंड तक हो जाए। ये इस साइड से हमने कटिंग करना है। ये देखिए आप, इनर शर्ट जो है वो हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो ज़ाया नहीं होगा। और अब हमने इनर शर्ट की जो है ऊपर से कटिंग करनी है थोड़ी सी शोल्डर के पास से। इसके बाद हम जो अपनी इनर शर्ट है इसका फ्रंट पीस लेंगे, बैक पीस को हम अलहदा करेंगे फ्रंट पीस से और जो फ्रंट पीस है इसकी हमने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसकी आर्मपिट की कटिंग करेंगे। ये जो हम हमेशा गहराई में फर्स्ट पीस की कटिंग करते हैं तो हमने इसी तरीके से इसकी भी कटिंग करनी है और ऊपर से शोल्डर की कटिंग करनी है और इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। जो हमारी इनर शर्ट है उसकी नेक हम गोल ही बना रहे हैं तो इसे हमने इस तरीके से कटिंग किया।
व्यूअर्स, अब हम इसके जो गाउन है उसकी कटिंग करेंगे। तो गाउन के लिए जो हमने कपड़ा लिया है वो भी सेम हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, इसे हमने डबल करना है और इसके बाद अगेन हमने डबल किया इसे। तो ये 4 तह में हमें कपड़ा हासिल हुआ, यानी कि जब हमने डबल किया और फिर से हमने इसे डबल किया तो 4 तह हो गई। तो हम फ्रंट और बैक दोनों पीस एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं। अब हम इसकी पैमाइश करेंगे। तो जो हमने अपने गाउन की पैमाइश लेनी है, पूरी लेंथ जो लेनी है, वो हम 45 इंचेस ले रहे हैं। ये देखें, इसे हम इस तरीके से रखेंगे। जो नीचे रखा गया है, यानी कि जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, वो हमारा फ्रंट पीस है, और जो इसके ऊपर ये हमने रखा है इस तरीके से, ये जो है हमारा बैक पीस है। क्योंकि ये नेट है तो इसे भी हम इसी तरीके से रखेंगे कि कोई सलवट ना आए, कोई चुन्नट वगैरह ना आए। इसके बाद हमने इसकी पैमाइश करनी है शोल्डर की। तो जो हम सेम पैमाइश लेंगे, बस इसके जो हमने शोल्डर लेने हैं वो 7 इंचेस हमने इसके शोल्डर लिया है। और ये आर्मपिट की कटिंग की, और सेम हमने इसी तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से हमने वेलवेट की जो इनर शर्ट कटिंग की है, सेम इसी तरीके से हमने जो ऊपर का हमारा ए लाइन गाउन है उसकी कटिंग करनी है। और इसी तरह हम जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, साइड से जो हमने कटिंग ली है, उसे नीचे के साइड रखना है और एक जॉइंट लगाना है। ये देखें, नीचे से सेम उसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखें, गाउन की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद ये आप देखें, गाउन का फ्रंट पीस जो है और बैक पीस दोनों, जो गाउन का फ्रंट पीस है वो हमने थोड़ा सा कम रखा है बैक पीस से, क्योंकि जो फ्रंट पे गैप आना है उसे देखते हुए हमने जो फ्रंट पीस है उसे रखा है। अब हम आपको रख कर दिखाते हैं कि आप कैसे सियेंगे। तो सबसे पहले आप बैक पीस इनर शर्ट का और उसके ऊपर आपने फ्रंट पीस रखना है, जो हमारी इनर शर्ट है वेलवेट की उसका, और उसके ऊपर जो हमने गाउन कटिंग किया है उसके दोनों राइट और लेफ्ट साइड के पीसेस रखने हैं। तो ये देखेंगे, हम आपको रख कर दिखा रहे हैं। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से दूसरा पीस रखना है। ये देखें, इस तरीके से हमने सही करके दोनों साइड के पीस रखने और फिर इनकी सिलाई करनी है। गाउन की कटिंग भी हो चुकी है। जो गाउन की हम स्टिचिंग करेंगे तो इसके हमने फ्रंट में इनर लगाना है। तो इनर आप किसी भी कपड़े का लगा सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन हम नॉर्मल इनर लगा रहे हैं। तो हम आपको सिलाई करने के बाद फाइनल लुक दिखाएंगे इसकी। और ये देखें, जो नेट हमने इस्तेमाल की है इसमें, ये बहुत ही ग्लिटरी नेट है, इस पर बहुत ज़्यादा ग्लिटर लगा हुआ है। और क्योंकि सर्दियां हैं तो वेलवेट इनर शर्ट लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये हम फंक्शंस वगैरह में पहन सकते हैं।
ये देखें फाइनल लुक, जो हमारा गाउन इनर शर्ट और ऊपर का जो गाउन है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच करना मत भूलिए। इससे आप हासिल कर सकेंगे हमारी नई अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।